इंडियन कोविड को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद कांग्रेस आक्रोशित हो गई और पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर शुरू हो गया है। आज इसी के चलते जबलपुर में युवा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का विरोध किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा जमकर निशाना साधा। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के विरुद्ध शिकायत देकर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि कमलनाथ जी जो है कोरोना का जो नया स्ट्रेन है इसे भारतीय स्ट्रेन कह रहे हैं, साथ ही साथ वो मौत के झूठे आंकड़े जारी कर रहे हैं। इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर हम युवक कांग्रेस के साथी महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जो है धरने पर बैठे हैं कि महात्मा गांधी और ईश्वर जो है उन्हें सद्बुद्धि दे भाजपा के लोगों को कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खुद केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामे के माध्यम से ये स्वीकार किया है कि ये जो स्ट्रेन है ये भारतीय स्ट्रेन है, उस हलफनामे में स्पष्ट तौर पे ये बात स्वीकारी गई है। रही बात मौत के आंकड़े जारी करने की, तो समाचार पत्रों में प्रतिदिन ये खबर प्रकाशित हो रही है कि जितनी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौतें दर्शाई जा रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है अंतिम संस्कार जो है वो शमशान घाटों में किए जा रहे हैं। अगर कमलनाथ जी ने वास्तविक आंकड़े जारी कर सरकार की नाकामी उजागर करने का काम किया तो ये किस तरह से अपराध की श्रेणी में आता है, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी।